360 के बाद अब चले खबरों को विस्तार से देखते हैं। अजमेर सेंट्रल जेल में कैदियों को टॉर्चर कर सुविधा देने के नाम पर उनके परिजनों से लाखों रुपए की वसूली करने वाले गिरोह के शातिरों की सेशन कोर्ट में पेशी हुई, लेकिन यहां शातिरों की पुलिस खातेदारी करती नजर आई। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मियों के साथ चाय नाश्ता करते नजर आए। सार्वजनिक तौर पर मुलजिमों की खातिरदारी देखकर कोर्ट परिसर में मौजूद लोग अचंभित हो गए। आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों का मुलजिमों के साथ दोस्ताना व्यवहार का खामियाजा पूर्व में कुख्यात आनंदपाल सिंह फरारी मामले में जिला पुलिस भुगत चुकी है। इसके बावजूद पुलिस का रवैया नहीं बदला। कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान आरोपियों ने परिजनों से बातचीत की और मोबाइल फोन का भी उपयोग किया। उन्हें जेल से कोर्ट लाने वाले चालानी गार्ड ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने बेपरवाही से अपने हथियार आरोपियों के पास रखकर नाश्ते की प्लेट हाथ में थाम ली। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हुआ है। तो पुलिस और छात्रों का दोस्ताना संबंध ये तस्वीरें बयां करती हैं। सवाल ये कि अगर इस दौरान कोई फरार हो जाए तो क्या कोई जिम्मेदारी लेगा? पुलिसकर्मियों की एक बार फिर लापरवाही सामने आएगी अगर अपराधी यहां से फरार हो जाते हैं तो। छात्रों को चाय नाश्ता और भगत में यहां पर पुलिसकर्मी जुटे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सवाल ये कि आखिर इन पर ये मेहरबान इतने क्यों हो रहे हैं? अपराधियों के परिजन भी वहां मौजूद थे, उनसे बातचीत करते नजर आए, फोन का इस्तेमाल करते हुए ये नजर आए। कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है या इन्हें ऐसा लग रहा है कि घुमाने के लिए पुलिस लेकर आई है, बाहर की हवा खिलाने के लिए पुलिस लेकर आई है? खातिरदारी की जा रही है, आवभगत की जा रही है, चाय नाश्ता कराया जा रहा है। और चलिए इस पर बातचीत के लिए अजमेर से संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, ये कैसी तस्वीरें हैं? एक बार फिर अगर कुछ घटनाक्रम हो जाए, अपराधी फरार हो जाए तो पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। ये तस्वीरें तो यही बता रही है कि कितने दोस्ताना संबंध है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि जो ये मामला है, ये जो केंद्रीय कारागृह के अंदर जो सुविधा शुल्क का बांडा फोड़ा था एसीबी ने, उसी के छात्र हैं ये, उन्हीं को पेशी पर लेके आए गए थे। लेकिन पहले इनको ये जेल में सुविधा के पैसे लिया थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस भी इनको सुविधा देती नजर आ रही है। इनको चाय पिला रही है, कचौड़ी खिला रही है, और यहाँ तक की जो इनके हथियार हैं, जो पुलिस के हथियार हैं, उन हथियारों को भी इनके पास रख के खुद नाश्ता कर रही है। कल को अगर कोई अपराधी भागता है और हथियार लेके, आपको बता दूं कि इससे पहले भी अजमेर और नागौर के बीच में आनंद पाल की और पुलिस की दोस्ती भारी पड़ गई, क्योंकि वो भी इसी कुछ ऐसा ही मामला था। और वो ही उसी से सीख न लेते हुए जो चालानी कर्मचारी है, पुलिसकर्मी है, वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये है मामला, हालांकि अभी तक किसी को जानकारी नहीं आ पाई है, किसी अधिकारी को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये बड़ा ही शर्मनाक बात है कि आरोपियों और जो छात्र हैं उनको इस तरीके की सुविधाएं दी जा रही है पुलिस के द्वारा। बिल्कुल शुभम, ये कितनी देर तक यहाँ पर इस तरह से बैठे रहे, क्या कुछ इसे लेकर जानकारी है क्या? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, करीबन आधे से पौन घंटा तक ये वहां पर ही बैठ रहे हैं, क्योंकि कचौड़ी खाने में कचौड़ी खाई है, उसके बाद इन्होंने चाय भी पी है। चाय पीने के बाद पानी वानी पीने के बाद ये करीबन उसके बाद गए हैं यहाँ, तो करीबन आधा पौन घंटा यहाँ पर ये साथ में बैठे हैं और पूरा नाश्ता पानी इनने किया है। बिल्कुल, और इन शातिरों को पुलिस लेकर तो आती है, चाय नाश्ता भी कराया, लेकिन जानकारी ये भी मिली कि इस बीच ये अपने परिजनों से बात कर रहे थे, फोन का भी इन्होंने इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल, जो आरोपी हैं जो ये लेके आए थे पेशी पर, उस टाइम पे इनके परिवार वाले भी वहां पर आए थे, क्योंकि पेशी थी तो परिवार वाले भी पहुंचे थे, तो इन्होंने परिवार से वालों से भी बातचीत करी है। और जहां सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली थी कि वहां पर इन्होंने बातचीत भी करी है फोन से, पुलिस वालों ने भी कोई रोक टोक नहीं करी, फोन पर इन्होंने बातचीत करी है, ये मामला भी सामने आया है बिल्कुल इसमें। और जो आरोपी है, इस तरीके से अगर पुलिस इनको छूट देगी बातचीत करने की, तो बाकी के जो कुख्यात आरोपी है उनको भी इस तरीके से कर सकती है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा पुलिस का मतलब कह सकते हैं अपन कि ये लापरवाही है, क्योंकि और फिर कभी ना कभी जब इस तरह की घटनाएं होती है तो ऐसा लगता है कि पुलिस की मिली भगत से ही इस तरह के अपराधी भागने में कामयाब हो पाते हैं, और ज्यादातर मामले तभी सामने आते जब इन्हें पेशी के लिए लाया जाता है। क्या पुलिस अधिकारियों में से या इन कर्मियों में से किसी से कोई बातचीत हो पाई? क्या इस वीडियो को देख, इन तस्वीरों को देखने के बाद किसी पुलिस अधिकारी की तरफ से कोई कमेंट आया? अधिकारी की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है, हालांकि जो पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। कुछ तो अभी उनके मामले में संज्ञान में मामला आया नहीं है, और जब वो आएगा तो उसके बाद ही वो कुछ जवाब देंगे, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने इस मामले को लेकर किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। शुभम बिल्कुल, हमने भी कोशिश की एसपी कुमार राष्ट्रदीप से बातचीत करने के लिए, उनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन आप जरूर इस वीडियो को दिखाकर उनसे अपडेट जरूर लीजिएगा। और आखिर क्या अब पुलिस अधिकारी इस तरह के वीडियो को लेकर एक्शन लेते हैं, इन तस्वीरों को देखकर एक्शन लेते हैं इन पुलिसकर्मियों पर? बहुत शुक्रिया शुभम आपका इस पूरी बातचीत के लिए।